फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के लेक्चर में मैं आपको मोशन, जो चार्ज पार्टिकल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। हालांकि और बहुत सारे केसेस होते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड केस है जिसमें हमारे पास दो चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं चार्ज्ड, और उनके बीच पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। तो कंडीशन दी गई है न्यूमेरिकल की, या आप केस कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हॉरिजेंटली इंटर करता है, है ना, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंटर करता है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड। ओके, सो आपसे पूछा जाता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन फर्दर मूव करेगा तो ये कुछ इस तरह की शेप फॉलो करेगा, इस तरह की ट्रजेक्ट्री फॉलो करेगा। और वंस इट रीच्ड हियर एट द एज ऑफ द सिस्टम, जब ये यहाँ पर रीच करेगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद ये सीधा चला जाएगा इस तरह से, उसके बाद इसकी वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। इसका मतलब इस सिचुएशन पे इसके पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो होगा इसका एक्स कंपोनेंट, ओके, और एक होगा इसका वाई कंपोनेंट, इस तरह से एक होगा इसका वाई कंपोनेंट। तो और इतना एंगल ये बना रहा होगा। साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये जो वाई गेन किया है इसने, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कि वाई कितना इसने गेन किया है। एक्स तो पता है, एक्स इजिकल टू एल, है ना, ये गिवन है आपको एक्स इजिकल टू एल, और थीटा क्या होगा, है ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो दो तीन वेरिएबल्स हैं, उनकी कैलकुलेशंस यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। तो चलो मैं पहली वेरिएशन की बात करता हूँ कि होगा क्या। एक्चुअली बहुत ही आसान सा केस होता है ये। सबसे पहले तो हमें कंसीडर ये करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, राइट। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पहुँचेगा तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, फोर्स लगेगी, दैट इज़ चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, या आप कह सकते हैं अलोंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग ये फोर्स लगी। तो फोर्स अपवर्ड है, देयरफॉर एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस भी कितना होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस। तो ये एक्सेलरेशन का हमें जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। साथ ही साथ बेटा हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, हम ग्रेविटी की फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं ना, इग्नोरिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो आप यहां पर नेक्स्ट स्टेप ये देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो इस पे एक्ट कर रहा है, तो एल कितना होगा या एक्स कितना होगा, एक्स कितना होगा, एक्स इजिकल टू, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस देर इज नो एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि फोर्स तो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई फोर्स है ही नहीं, इसलिए एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एल के बराबर है, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो इसकी जो स्पीड रहेगी, जो एक्स कंपोनेंट रहेगा वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, एज इट इज रहेगा, वेलोसिटी इनटू टाइम आप ऐसा लिख सकते हैं। तो एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, जरूरत पड़ने पर हम इसको, इसका मतलब ये होगा कि जो टी लिखा है दैट इज द टाइम टेकन एल डिस्टेंस कवर करने में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एंड तक आने में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा है, टी इज द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस एल विद वेलोसिटी वी एक्स, वेयर वी एक्स इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये गिवन है आपको वी एक्स, ओके। नाउ अब आप वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई क्या होगा, नाउ वाई इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस ऐसे लिख सकते हैं ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं ना, ए टी स्क्वायर एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस, बट इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस क्या है, जीरो है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस सिचुएशन पे जो
वेलोसिटी है, इट इज़ प्योरली अलोंग द एक्स एक्सिस, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी वेलोसिटी का वेक्टर नहीं है। सो हमें इस वैल्यू को जीरो पुट करना होगा, प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू है, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेटर कर रखा है, क्यू ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टाइम का स्क्वायर। अब टाइम वाला केस जो है, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन नंबर सेकंड से हम टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ये क्या आएगा, आप एल की टर्म में अगर लिखें, एल डिवाइडेड बाई वी एक्स इक्वल्स टू टी, ना ये टी की वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं y में। सो y इक्वल्स टू हाफ क्यू e बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन t स्क्वायर, इट मीन्स l स्क्वायर बाय v स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू क्यू e बाय 2 me l अपॉन वी एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा y कंपोनेंट। ओके, सो इतनी इसने हाइट गेन की है, जब ये इलेक्ट्रॉन, ये वाली हाइट, इतना ये अपवर्ड डायरेक्शन में बेंड हो गया ड्यू टू द फोर्स, ना। ये जो वाई कंपोनेंट है, इसको अलग अलग वेरिएबल के नाम दिए जा सकते हैं, बट मैंने वाई ही लिखा है। तो ये वाई की कैलकुलेशन आपको करना आ गई, आपने एक्सेलरेशन भी निकाल ली कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने कितना टाइम स्पेंड किया वो भी आपने निकाल लिया, कितना टाइम स्पेंड किया, दिस इज़ द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो ये भी लिख लेते हैं, ये क्या है बेटा, दिस इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आ गया। अब आपको वेलोसिटी वेक्टर अगर पूछे जाए कि वेलोसिटी वेक्टर्स क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है, तो एक्स कंपोनेंट तो हमने निकाल ही लिया था, है ना, क्योंकि एक्स कंपोनेंट तो चेंज होगा नहीं, तो एक्स कंपोनेंट को एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्यों नहीं चेंज होगा एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स कंपोनेंट के अलॉन्ग एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो वेलोसिटी थी वही रहेगी। वाई कंपोनेंट लिखा जा सकता है, यू वाई प्लस ये वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस जीरो है, प्लस एक्सेलरेशन कितनी होगी, फोर्स डिवाइडेड बाई मास और टी, टी की वैल्यू आपको गिवन है एल अपॉन वी एक्स, सही हो जाएगा क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम ई वी एक्स, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी अलॉन्ग द वाई एक्सिस। सो हमें ये दोनों कंपोनेंट पता लग गए, ये वाला कंपोनेंट भी पता लग गया, ये वाला कंपोनेंट भी पता लग गया। अब आप चाहो तो टोटल कंपोनेंट या टोटल वेलोसिटी लिख सकते हो, सो द टोटल वेलोसिटी वी वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स क्या होगा एज इट इज़ रहेगा, वी एक्स आई कैप ही रहेगा, प्लस वी वाई क्या होगा क्यू ई एल डिवाइडेड बाय एम ई वी एक्स जे कैप, इस तरह से बेटा ये वेलोसिटी वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर भी हमने कैलकुलेट कर लिया। मोस्टली क्वेश्चंस में सेम अप्रोच रहता है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, टी का कैलकुलेशन करना है। अब लास्ट टर्म बचती है एंगल, कि एंगल जो ये बना रहा है ना, ये थीटा जो जिस एंगल से वेलोसिटी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, वो क्या होगा। सो ये भी हम वेक्टर्स में बहुत बार कर चुके हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है, टेन ऑफ थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू ई एल डिवाइडेड बाय एम ई वी एक्स, और एक्स कंपोनेंट क्या है, एज इट इज है, यही रहेगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू ई एल डिवाइडेड बाय एम ई वी एक्स का स्क्वायर। सो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एल डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी एक्स स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू ई एल डिवाइडेड बाय एम ई वी एक्स स्क्वायर। सो ये हम लिख सकते हैं थीटा, कि इतना थीटा होगा,
दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, मैंने और भी प्रॉब्लम सोची कि मैं और भी प्रॉब्लम इंड्यूस करूँ, लेकिन हो क्या रहा था कि सारे सवालों में कुछ ऐसे ही वेरिएबल्स थे विद न्यूमेरिकल वैल्यूज़, सो मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है तो आप उसको आसानी से अटैम्प्ट कर लोगे अगर आपको ये प्रोसेस समझ आ गया है कि क्या क्या चीज़ें हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेट कर लेनी है इस तरह के न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टाइप था, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।